जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन आवर यूट्यूब चैनल. नेम इज़ एग्जिस अकेडमी. होप यू आर डूइंग वेरी वेल. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक. द नेम इज़ करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. नाउ आवर टॉपिक इज करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, और वो कौन से एडजेक्टिव्स होंगे मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं. कौन से एडजेक्टिव्स की बात कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इनमें हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. वो दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूज़न अपने आप क्रिएट होता रहता है. सो इसी के साथ आज मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा, ताकि आपको आगे चल के इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कहीं पर ये देखने को मिलते हैं तो आप उनका करेक्ट यूज कर सको. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे, मैं एक तरफ हेडिंग लेके चलता हूं. ईच, इनको हम अच्छे से बॉक्स में कवर करते हैं. और दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा? एवरी. करेक्ट यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वो कौन से होंगे? ईच एंड एवरी. अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनमें कन्फ्यूजन क्या होता है, इनकी मीनिंग हमें क्लियर नहीं होती है. सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इनकी हमें मीनिंग ही क्लियर नहीं होती है. और अगर मीनिंग नहीं क्लियर होगी तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि किसी सेंटेंस में अगर इनका यूज हमने किया है या कहीं पर हमें देखने को मिला है तो उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग हमें नहीं समझ में आएगी. कहने का मतलब, अगर ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की आपको एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होगी, करेक्ट यूज नहीं पता होगा, कहाँ पे सेंटेंस में यूज होते हैं ये, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, इनके साथ वर्ब कौन सी आती है, ठीक है, नाउन आएगा तो वर्ब पे क्या कंडीशन पड़ेगी, क्या रूल अप्लाई होगा, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो दिक्कत होगा. ठीक है, तो इसी एक पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे, और छोटे छोटे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में इनका करेक्ट यूज क्या होता है. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ईच का मतलब क्या हो गया, इनको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर वन, हम कह सकते हैं कि सर जी ये मीनिंग क्या देते हैं, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, और वो क्या होंगे, मोर देन टू क्या होंगे, हो सकता है वो किसी पर्सन की बात कर रहा हो, थिंग्स की बात कर रहा हो. किसकी बात की? टू और मोर देन टू. अब इसका मतलब क्या हो गया सर जी, इसका मतलब अगर मैं हिंदी मीनिंग बात करूं यहां पर, इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये किसकी बात करता है, हर एक की बात करता है. किसकी बात करेगा? हर एक की बात करेगा. मैं अभी एग्जाम्पल्स में आऊंगा, अभी हम आगे ना जा करके अभी हम अपने पहले बेस को तैयार करते हैं. ठीक है, अगर हमने बेस तैयार कर दिया तो हमारा जो छत है वो ऑटोमेटिक पड़ जाएगा. मीनिंग क्या हुई इसकी, आप क्या बोल सकते हो, हर एक. अब देखिए यहां पे हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ईच किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को. ठीक है, आपने इंडिविजुअल पर्सन कहा के साथ साथ आप थिंग्स भी बोल सकते हो, वेरी गुड. ठीक है, अब इंडिविजुअल कह दिया, आपके मन में घंटी बजेगी कि सर इंडिविजुअल अगर किसी व्यक्ति या स्थान या हम किसी थिंग्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में कैसा कैटेगरी फिक्स करेगा, फिक्स कैटेगरी फिक्स करेगा. कैसा कैटेगरी फिक्स करेगा, सॉरी कैसा कैटेगरी आएगा, अपने आप में बताएगा कि ये फिक्स किसकी बात करेगा, किसी पर्सन की बात करेगा या किसी थिंग्स की बात करेगा. अब यहां से हमने समझ रखा है कि सर कभी हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि कहां पर कोई चीज फिक्स होती है, मतलब कि वो चीजें हमें नोन है, वो चीजें हमें पता है. इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो सर जी ये किसकी बात करेंगी, ये
डेफिनेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये डेफिनेट की बात करेंगे, मतलब कि निश्चित होगा। आप यहां पे कह सकते हो कि सर ये किसकी बात करते हैं, ये किसी निश्चित और किसकी बात, पर्सन की बात या थिंग्स की बात करेंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा कि ईच का मतलब क्या होगा, टू और मोर देन टू किसकी बात करेगा, पर्सन और थिंग्स की बात करेगा। जिसकी अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें, हिंदी मीनिंग क्या होता है, हर एक होता है, ठीक है। और आप इसको कैसे समझ सकते हो, इसको आप कह सकते हो सर ईच इंडिविजुअली पर्सन और थिंग्स की बात करेगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, फिक्स, फिक्स मतलब डेफिनेट या निश्चित, पर्सन या थिंग्स की बात करता है। तो ये इतना पॉइंट हमने तैयार किया किससे रिलेटेड, ईच से रिलेटेड। इसी के सिमिलर आप एवरी से भी क्या पॉइंट बना सकते हो, आइए इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि सर एवरी क्या बताता है, एवरी किसके बारे में बात करेगा, थ्री और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री, और मोर देन थ्री कौन होंगे, या तो आपके सर जी पर्सन होंगे और या तो आपके थिंग्स होंगे, ठीक है। ये इतनी बात हमें समझ में आई जैसे हमने ईच के बारे में देखा। तो एवरी का मतलब क्या हो गया, सर एवरी किसी सेंटेंस में आता है वो किसकी बात करेगा, थ्री और मोर देन थ्री, पर्सन और थिंग्स की बात करेगा। अच्छा, इसकी अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें, सर इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो सकती है, क्या आप मुझे बताएंगे, भैया बिल्कुल मैं बताऊंगा। जैसे यहां पर मैंने किसकी बात की थी, हर एक की बात की थी, या मैं इस पॉइंट से नहीं, मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूं कि सर ईच क्या बताता है। यहां पे मैंने क्या कहा, ईच इंडिविजुअल की बात करेगा, ठीक है, वहीं एवरी किसकी बात करेगा, सर जी एवरी जो होता है वो किसकी बात करता है, वो ग्रुप की बात करता है। अब आपको समझ में आ गया, सर जी ग्रुप की बात करेगा, तो यहां पर जो उसकी हिंदी मीनिंग हम तैयार करेंगे वो हम क्या तैयार करेंगे, प्रत्येक की बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे। अब ग्रुप से हमें समझ में आया कि सर जी जो ग्रुप होता है वो क्या फिक्स होता है, सर जी ईच में हमने देखा था इंडिविजुअली व्यक्ति या थिंग्स की बात करेगा, वो फिक्स की कैटेगरी को फॉलो किया, वही जो ग्रुप आएगा, वही जो प्रत्येक सेंस के लिए का आएगा, वो अपने आप में क्या होता है, सर जी नॉट फिक्स की कैटेगरी को फॉलो करता है। मैंने क्या कहा, फिर से देखिए कि जो आपका एवरी आएगा किसी सेंटेंस में, वो किसका सेंस देता है, सर जी वो ग्रुप का सेंस देता है। किसी सेंटेंस में हिंदी मीनिंग प्रत्येक के सेंस में आएगी, और क्या मीनिंग आती है, थ्री और मोर देन थ्री, पर्सन और थिंग्स की बात करेगा, ठीक है, जो कि क्या होते हैं अपने आप में, नॉट फिक्स होते हैं। अब नॉट फिक्स होंगे, आपके दिमाग में घंटी बजी कि सर फिक्स था, डेफिनेट चीजों को फॉलो किया, निश्चित संख्या, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु की बात करेगा। जब नॉट फिक्स होगा तो ये किसकी बात करेगा, इनडेफिनिट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, इनडेफिनिट की बात करेगा। इनडेफिनिट मतलब कि ये, अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं, ये किसको दर्शाएगा, ये किसी अनिश्चित, और अनिश्चित कौन हो सकता है, वो अनिश्चित पर्सन की बात कर रहा हो सकता है अनिश्चित थिंग्स की बात कर रहा हो। बताइए इतनी बात मेरी समझ में आई आपको, अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आए, कमेंट में आप मुझे बताएं कि सर हाँ इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। आगे बढ़ें, चलिए एक पॉइंट इसमें हम और डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा, अभी हमने देखा कि सर ईच का मतलब, मैं एक बार रिवीजन करता हूँ फिर दोनों का सिमिलर पॉइंट लेकर कंक्लूजन लेके आता हूँ। मैंने क्या कहा, सर ईच का मतलब आपने कहा सर टू और मोर देन टू की बात करेगा, एवरी किसकी बात करेगा, सर एवरी जो होगा वो थ्री और मोर देन थ्री की बात करेगा। चलिए इतनी बात हमने समझ में रख ली अपने पाठ। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि सर किसी सेंटेंस में अगर ये आते हैं, ठीक है, मान के चलो कोई एक सेंटेंस है, हमने इनका यूज किया, तो सर ये क्या काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल होते हैं या प्लरल काउंटेबल होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है सर जी आपके सामने कि आपको यही नहीं पता है कि सर जी ईच का हमने मतलब समझ लिया, एवरी का मतलब हमने समझ लिया, लेकिन हमने ये मतलब नहीं समझा कि किसी सेंटेंस में अगर ये यूज होंगे तो इनके साथ आने वाला नाउन या इनको हम कौन सी कैटेगरी के साथ किसी सेंटेंस में हम रखेंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो कि सर ये क्या होते हैं, चाहे ईच की बात करेगा चाहे एवरी की बात करेगा, आप ये कह सकते हो सर ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल क्या होंगे, नाउंस होंगे,
किसकी बात करेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउंस की बात करेगा, चाहे वो एवरी हो, सॉरी चाहे वो ईच हो, चाहे वो एवरी हो। बताओ इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आई हो, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हमें सटीक पॉइंट पे आ जाएंगे और हम यहां पर यह भी देखेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि सर इस सेंटेंस में हम ईच का यूज करें या एवरी का यूज करें। ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा इरेज करके मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिए हैं, ध्यान से आप देखेंगे। मैंने क्या कहा, मैं ईच से एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने क्या कहा, Each boy has a mobile। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सेकेंड एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा, Every girl has a bag। दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिए। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स में हमें यह समझना है कि सर पहले तो आप ये मुझे बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये दोनों अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है। सर बिल्कुल होते हैं, तो यहां पर ये हमको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कैसे आएगा। आप प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जब हम सेंटेंस की क्लास पढ़ रहे थे तो सेंटेंस की क्लास में हमने एक चीज देखा था, वो क्या चीज देखा था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ये हमने देखा था। के साथ साथ हमने एक पॉइंट और सीखा था कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। कुछ समझ में आया? सर घुमा घुमा के बात क्या कर रहे हैं, सीधी बात करो भैया, सीधी बात पे आता हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे ये कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लस सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब आएगी, बट यहां पर हमें क्या पॉइंट देखने को मिल रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सर जी मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, है ना, कि नाउन आपका कुछ भी हो, नाउन आपका कुछ भी हो, बट जो हमें यहां पर वर्ब यूज करनी है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, सर जो वर्ड आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो किस कंडीशन को फॉलो करेगी, जैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। अच्छा एक बात यहाँ पे हमें और समझनी होगी कि सर यहाँ पे क्या दोनों की मीनिंग सेम रहेगी, भैया बिल्कुल सिमिलर मीनिंग नहीं रहेगी, अलग हो जाएगा। ईच का मतलब क्या होगा, सर जी मैंने किसकी बात की, हर एक की बात की। अब यहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, टू और मोर देन टू, और एवरी का मतलब क्या हो जाएगा, एवरी का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री और मोर देन थ्री। अच्छा यहां से एक कंफ्यूजन सर जी हो सकती है आपको कि सर आप ऐसे बताइए, टू और मोर देन टू, जब हम टू की बात करते हैं वहां पे तो हमें समझ में आता है वो टू की ही बात करेगा, लेकिन अगर मोर देन टू की बात कर रहा है सर जी, टू से ज्यादा थ्री भी तो हो सकता है। हम सेंटेंस में ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मोर देन टू की बात कर रहा है वो थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। वही एवरी की अगर मैं बात करूं, थ्री तो बात कर रहे हैं तो हमारा फिक्स है कि तीन व्यक्ति या तीन वस्तु की बात कर रहा है, लेकिन अगर तीन से अधिक की बात करेगा तो वहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं सर तीन से अधिक चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए कि सर यहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि ईच का मतलब दो और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा, वही एवरी भी जो होता है वो तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। गेटिंग माय पॉइंट, सेंटेंस में समझ लेते हैं, या मैं किसकी बात कर रहा हूं, ईच बॉय, है ना, ईच बॉय मतलब प्रत्येक, सॉरी हर एक जो यहां पे लड़का है उसके पास क्या है, अपना अपना मोबाइल है। क्लास चल रही होती है, अभी क्या है, अभी मान के चलो एक क्लास है हमारी, उस क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 50 के 50ों के पास क्या होगा, मोबाइल होगा। आज के टाइम पे तो है ऐसा, पॉसिबल है, 100% श्योर है ऐसा। ठीक है, तो मीनिंग आप समझ सकते हो। Every girl has a bag. Every girl has a bag. अब यहां पर भी आप कह सकते हो कि यहां पे जो every का मतलब है, यहां पे तीन या तीन से अधिक लड़कियों की बात हो रही है जिनके पास क्या है, अपना अपना बैग है। मीनिंग
यहां पे प्रत्येक मतलब ये किसको शो करता है, एवरी किसको शो करता है, सर जी किसी ग्रुप को शो करता है। ग्रुप मतलब क्या वो इंडिविजुअल की बात करेगा, सर जी इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, वो नॉट फिक्स की कैटेगरी की बात करता है। अब नॉट फिक्स्ड मतलब हम वहां पे कह सकते हैं कि सर जी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। वहीं जो ईच होता है वो किसके बारे में बताता है, वो डेफिनेट के बारे में बताएगा, वो फिक्स व्यक्ति या वस्तु के बारे में या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराता है। आशा करता हूं ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन मैं आपके साथ ऐसा डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं उन्हें क्वेश्चन के साथ साथ लेके चलूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन में आपको सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है और समझ के हमें जाना है कि सर ने आज कुछ हमें वीडियो बताई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि एग्जामिनेशन में हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है कि आंसर हमारा करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। इसमें ये दो क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने उन्हें सीधा टू द पॉइंट उठाया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हम कर नहीं पाते हैं, बट अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिक हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, देन हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैंने क्या कहा, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, क्या किसकी बात कर रहा है, एवरी सीट। सर जी किसकी बात करते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। हमने इसमें कोई दिक्कत पाई, सर कोई दिक्कत नहीं पाई। क्या सर जी यहाँ वर्ब से रिलेटेड कोई इशू है, भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले कह दिया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप यू कह सकते हो कि अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब भी आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना आए कि सर मान के चलिए ईच के बाद अगर कोई नाउन आया, वो नाउन किस कंडीशन में, प्लरल कंडीशन में। पहले तो बात तो ये होगा नहीं, ठीक है, और अगर होगा तो वहां पे प्रपोजिशंस का आपको यूज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या यहां पर क्वेश्चन है, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, मतलब यहां एवरी की बात कर रहा है, कितनी सीट होंगी वहां, तीन या तीन से अधिक जो सीटें हैं वो क्या है, ऑक्यूपाइड हैं, भरी हुई हैं, जगह नहीं है वहां पे बैठने की, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ईच किसकी बात करता है, सर ये बात करता है किसकी, हर एक की, क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे हर एक ने क्या जीता, प्राइज जीता, या सभी को क्या मिला, प्राइज मिला, या दो से अधिक आप ऐसे बोल सकते हो। एवरी मैन, ठीक है, इस तरीके सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत, मैं आशा करता हूं होगा नहीं, दिक्कत यहां पे हो सकती है, आप इसको भी कह सकते हो सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां पे थोड़ा बच्चों को लग सकती है, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां होगी, यहां पर, कि सर एक ही सेंटेंस में हमने दोनों वर्ड यूज कर दिया। देखो आप कहोगे सर ये ऐसी कैसी बात होगी, क्या इसमें अगर दोनों को हमने एंड से जोड़ा है, और रूल हमारा क्या कहता है कि एंड से अगर सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं, हम दो सेंटेंस को एंड से भले जोड़ देते हैं लेकिन हमारा जो लॉजिक होता है ना वो लॉजिक हमारा सेम ही रहेगा। अच्छा ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ईच एंड एवरी बॉय हैज अ बाइक, कोई दिक्कत, सो जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एरर कैसे बना सकता है, यहाँ पे मान चलो हैज की जगह पे आपको क्या दे दिया, हैव दे दिया, तब तो ये एरर हो जाएगा, फिर आपको करेक्शन करना है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ईच बॉय हैज अ बाइक या एवरी बॉय हैज अ बाइक, ऊपर हमने इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे कह दिया, यहाँ पे बात कैसे कह रहा था, ईच बॉय एवरी बॉय, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटेंस को इस तरीके से देखिए, ईच बॉय की बात किया, ठीक है, एंड ईच गर्ल की बात किया, अब ये भी हम इसको ऐसे कह सकते हैं ईच बॉय हैज अ स्कूटी एंड ईच गर्ल हैज अ स्कूटी, दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने एक ही सेंटेंस में क्या कर दिया, फिर रो दिया या बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हो। अगर देखिए मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि मैं बेस से स्टार्ट करूं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता था तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे होती थी कि मैं भले से मुझे वो चीज़ें आ रही हैं
ठीक है, मैं उसको बहुत बेसिक से समझूंगा और बेसिक से समझते समझते फिर थोड़ा टफ लेवल की ओर जाऊंगा। जैसे आप कहते हो ना बेसिक टू एडवांस, पहले आप बेसिक सीखिए फिर आप एडवांस लेवल पे जाइए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो एडवांस आप जाओगे गिर जाओगे, फिर मुंह के बल चोट लग जाएगी, फिर आओगे सर जी बेस पढ़ना है ना। तो ऐसे अब बात हुई इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि सर जी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब यहां पे हमें थोड़ा समझना है क्या कह रहा है, मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा एक बार। कह रहा है राधा हैज अ रिंग ऑन ईच एंड एवरी फिंगर, राधा हैज अ रिंग ऑन ईच एंड एवरी फिंगर। अब बताइए कि जो हमारी कह रहा है, पहले सेंटेंस में हम समझ लेते हैं कि राधा है उसके पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है। राधा हैज अ रिंग ऑन ईच एंड एवरी फिंगर, तो कह सकते हो ना कि उसके जो हाथ हाथ हथेली है, आपके हथेली में कितनी उंगलियां होती हैं, आपने कहा 7-10, ईच का भी यूज हम कर सकते हैं और एवरी का भी यूज हम कर सकते हैं, हम ऐसे देखने को मिल सकता है हमें, बिल्कुल सजी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं, ईच का भी यूज कर सकते हैं एवरी का यूज कर सकते हैं। आप कहोगे सर आपने पीवाईक्यूज बोल दिया, तो सेंटेंस में एक ऐसे लगा के आया हुआ था, आप किसका यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप दोनों का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां फंसेगी सर जी, इसमें फंसेगी। दिक्कत कहां पे फंसेगी, इसमें फंसेगी। या इससे पहले इसको भी हम देख लेते हैं, ईच दो या दो से अधिक की बात करता है, एवरी तीन या तीन से अधिक की बात करता है। अब हाथ में आपके 10 उंगलियां हैं, आप कह सकते हो दो या दो से अधिक या तीन से अधिक, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 भी हो सकता है, ठीक है, और इधर भी 3-4-5 हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो। बट कंडीशन यहां पे फंसेगी कि सर इसमें हम किसका यूज करेंगे। अब बताओ सी हैड पेंट ऑन ईच एंड एवरी लेग, क्या बताओ, जैसे हाथ में हमारे 10 उंगलियां थी तो हमारे पैर क्या हैं, 10 हमारे पैर हैं, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है हमें। सी हैड पेंट ऑन ईच एंड एवरी लेग, ईच एंड एवरी लेग, ईच का यूज हम कर सकते हैं सर। मीनिंग हम देखेंगे तो मीनिंग हमारी क्या होती है, दो या दो से अधिक की बात करता है, दो कैटेगरी को फॉलो किया, आप कह सकते हो टू और टू प्लस किसकी बात करेगा सर जी, ईच की बात करेगा। एवरी किसकी बात करेगा, एवरी थ्री और थ्री प्लस कौन बताता है, एवरी बताता है। अब बताओ कोई भी मनुष्य है उसके दो या दो से अधिक पैर होते हैं, तीन या तीन से अधिक पैर होते हैं, आपको कहो सर ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, जितने मनुष्य हैं धरती पे सबके दो ही पैर होते हैं, है ना, चार पैर तो होते नहीं किसी के, हाँ चार पैर उनके होते जो जानवर होते हैं। अब बाई डिफॉल्ट ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य भी एक जानवर है, लेकिन प्रकृति की देन है कि उसको दो ही पैर दिए, हमारे भी दो पैर, आपके भी दो पैर, आपके पड़ोसी के भी दो पैर, है ना। तो आप यहां पे सटीक आंसर कौन सा चूज करोगे, सर मैं एवरी का यूज करूंगा, भैया एवरी का यूज करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप किसका यूज करोगे सर, ईच का। तर्क क्या दोगे कि सर ईच किसके बारे में बताता है, ईच दो या दो से अधिक के बारे में बताता है, बट इस सेंटेंस में लेग की बात हो रही है, उसने अपने दोनों पैर को क्या किया, रंगा, कलर किया, पेंट किया, है ना। तो आंसर इज ईच, क्यों, क्योंकि किसका सेंस दे रहा है, ये दो का सेंस दे रहा है, उसने अपने दोनों पैरों को क्या किया, पेंट किया। बताओ कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन को हमने कुछ इस प्रकार से समझा, अब बेसिक किससे एडवांस थोड़ा हम इस क्वेश्चन पे गए ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आए। एक पॉइंट को इसमें हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जहां से हमें ये समझ में आएगा कि और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं ईच एंड एवरी से रिलेटेड। चलिए, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं एवरेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, सिर्फ एवरेज से रिलेटेड ही होगा, वो क्या पॉइंट होगा आइए हम समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि सारे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे हमने एवरी का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, इन सेंटेंसेज में हमने किसका यूज़ किया हुआ है, एवरी का यूज़ किया है। रूल क्या कहता है सर जी, रूल हमें ध्यान में रखना है, रूल क्या कहता है कि आफ्टर एवरी, किसकी बात कर रहा है, आफ्टर एवरी, एवरी के बाद जो भी आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, मैंने क्या कहा ध्यान सुनिएगा, एवरी के बाद आपका जो न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब कोई भी नंबर, और कोई भी नंबर, वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 2, 3, ठीक है, etc, है ना,
ऐसे अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आफ्टर एवरी न्यूमरल एडजेक्टिव होना चाहिए, और कैसा? आप कहोगे सर ये तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, प्लरल न्यूमरल एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं। इनके बाद, किन के बाद? एवरी के बाद यदि कोई प्लरल न्यूमरल एडजेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पे हमें दो चीज का ध्यान रखना होगा, एक तो नाउन का ध्यान, दूसरा वर्ब का ध्यान। मैंने क्या कहा, एक तो नाउन का ध्यान, दूसरा वर्ब का ध्यान हमें रखना होगा कि नाउन जो आएगा वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा? सजी वो प्लरल कंडीशन को फॉलो करेगा। वहीं जो वर्ब होगा वो एज इट इज, जो हमने पीछे रूल में देखा उसको हम एज इट इज यूज करेंगे। कहने का मतलब कि वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी और नाउन आपका क्या रहेगा? प्लरल रहेगा। जैसे यहां पर हम सेंटेंसेस में देख लें, पहले मैं वर्ब को देखता हूं, पहले मैं किसको देखता हूं? वर्ब को देखता हूं। यहां पे किसकी बात कर रहा है? बसेस लीव, है ना? ये कैसा है? प्लरल है, नाउन आपका प्लरल है, है ना? और वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? फिर तो ये ऐसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं लेना देना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एवरी की मैं बात करूं, एवरी के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? कोई न्यूमरल एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? न्यूमरल एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव आपको देखने को मिला के बाद जो भी नाउन आ रहा है, नाउन कैसा होना चाहिए? सजी प्लरल होना चाहिए। यहां पे प्लरल है, मिनट का मिनट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सेंटेंस में आते हैं, मैंने एवरी प्लेयर की बात की, एवरी के बाद जो भी न्यूमरल वर्ड आएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, यहां पे देखना क्या है? 3 के बाद जो नाउन आया कैसा है? सजी सिंगुलर प्लरल है, लेकिन वर्ब कैसी है? सजी सिंगुलर है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अगेन सेंटेंस में हम देखते हैं, एवरी के बाद न्यूमरल वर्ड आया, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है सजी कैसा है? आपने कहा सजी ये तो प्लरल है, लेकिन वर्ब कैसी है? वर्ब आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अगेन दो सेंटेंसेस हम और देखते हैं, एवरी 4 आवर्स, 4 आपका क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, एंड आवर्स आपका क्या हो गया? आपने कहा सर ये तो प्लरल नाउन हो गया। बताओ, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेंटेंस है, एवरी के बाद फिर यहां पे हमें न्यूमरल एडजेक्टिव देखने को मिला, और कैसा एडजेक्टिव? प्लरल न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो नाउन कैसा, उसका नेचर है? प्लरल है, लेकिन जो वर्ब आ रही है वो क्या है? सिंगुलर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में हमने ये यूज देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरी की हमने बात की, ईच किसके बारे में बताता है, एवरी किसके बारे में बताता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंसेस में अगर इनको हमने यूज किया है तो करेक्ट यूज क्या होगा, इनके बारे में हमने चर्चा की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जहां भी कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए।